अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। हमारी दुआएं, हमारे देखने वाले जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में हजारों खुशियां लाए। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो वीडियो का आगाज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। देखे तरह दिख रही है बाहर। अभी तक मैं वो आया है ना पैरिंग वाला, तो जागा नहीं है नमाज पढ़ने की, तो उस कमरे में जा रही है नमाज पढ़ने के लिए। तो अभी मेरी बीटेक थी अस्पताल में, तो वहीं बीटेक पर गई हूँ। वापस खाना खाया है तो अभी चाय पी रही थी, तो हम सोचा कि व्लॉग बना ले आज का। कल भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि घर में काफी मसले मसायल हो गए हैं ना। क्या कर रही हो यार? पक्के चढ़ गई हो? ऊपर क्या ढूंढ रही हो? शहजादे जो पुराने पक्के फिर तो आपने घर ला चो पुराने लगाएंगे। तो आज शहजाद की वीडियो में आप लोगों ने देख रहे हैं कि शहजाद ने पंखा कैसा वो पड़ा है सामने। अभी नहीं दिखाएंगे, शहजाद की वीडियो में दिखाएंगे, मैं अपने वीडियो बनाऊंगा। तो घर में जो डोंकी था ना वो भी खराब हो गया है, वो भी जल गया है। आज पानी बिल्कुल नहीं है कि हम बर्तन धो लें या घर का कोई काम कर लें। तो अभी जानवरों को पानी पिलाने के लिए उधर रानी के घर से पानी लेकर आए, जानवरों को पिलाए। तो अभी डोंकी लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह बन जाएगा डोंकी आज। तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहना, वीडियो मुकम्मल देख रहे। तो एक थोड़ी सी बात, छोटी सी बात आप सब लोगों से कहनी है। मेरी अस्पताल में ना वो चल रहा है, हफ्ता चल रहा है, तो वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। तो अपने बॉडी के तमाम टेस्ट, जरकान, शुगर, हेपेटाइटिस बी, सी, फ्री सारे हो रहे हैं। तो आज मेरी वहाँ पर ड्यूटी थी, अपने इलाके के मरीज लेकर गई थी। तो वहाँ तो मैंने उधर अपना टेस्ट करवाया। उधर मेरी दोस्त ने कहा कि आप अपना टेस्ट भी करवा रहे हैं। मैं शुगर का टेस्ट तो करवाती रहती हूँ, लेकिन बाकी टेस्ट, बड़े टेस्ट मैंने कभी नहीं कराए। तो आज मैंने पहले तो डर रही थी कि कहीं जरकान की बीमारी ना हो, नहीं करवाती, लेकिन फिर डरते डरते गई हूँ, चेकअप करवाया है। तो वो मैंने अपने मोबाइल में छोटी सी वीडियो बनाई है, तो वो आपको लगा कर दिखाएंगे कि उसमें क्या है। तो वहाँ पर जब टेस्ट कर रहे थे ना, हमारा अपना ही अस्पताल है, अपने ही लोग थे वहाँ पर, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो वो वीडियो हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बीमारी बताई है, क्या बीमारी नहीं बताई, ये है भी बीमारी या नहीं है। तो पहले मैं चाय पी लूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। वो वीडियो मैंने अपने मोबाइल में बनाई है। उस वक्त मेरे पास छोटा मोबाइल था ना मेरे पास। आप लोग बार बार, आपके लोगों के कॉमेंट आते हैं कि आवाज़ साफ नहीं आती। क्यों आवाज़ साफ नहीं आती? इतना अच्छा मोबाइल है, आईफोन है, पता नहीं कि मोबाइल में मसला तो नहीं हो गया। पहले तो ऐसे कमेंट नहीं आ रहे थे, लेकिन एक दो दिन से बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों की आवाज़ सही नहीं आती। तो आज आप लोगों ने बताना कि आवाज़ हमारी सही आती है या नहीं आती, क्योंकि आज मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ ना, आज आप लोगों ने बताना है। फिर माइक लगाने पड़ेंगे। गुड़िया क्या कर रही हो? ऊपर क्यों चढ़ गई हो? ऊपर पता नहीं क्या ढूंढ रही है। क्या 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 ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही हो? लिपस्टिक। ऊपर किसने रखती है? सुबह बनाई थी। खुद बनाई थी? हाँ। अच्छा, बुढ़िया लिपस्टिक खुद भी बनाती है? कलर निकाल लेती है इधर उधर से, उसे पता नहीं क्या डालती है। क्या डालते हो कलर में? ये देखो, क्या है? साफ करी ना। किसी के साथ करो? किसा? अब तो सो गया। ये देखो प्यारा कलर है, खुद बनाया है। नहीं आ रहा फिर लगा कर नहीं दिखाई दिया। लगाऊं? दिखा रही है। नहीं लगानी बढ़िया। दिखाना इधर इधर दिखाना। ये देखो ऊपर भी सारा लगाया हुआ है। अभी भी थोड़ी सी पी लें। ये देख इतनी लाल, क्या डाला है इसमें? क्या डाला है? घी सटा या घी सटी भी? ना ना तेल सटा उसे। कोई ना तेल ही क्या सटा? क्या सटी भी? रेस सटे। वैसलीन मैं किन वैसलीन सटे के देते हैं? वैसलीन तो डिटेल वैसलीन वैसलीन कुछ सही था। अरे
वैसलीन देदा जेरी सुर्की जरा रंग चस का पसंद है उको मैं खुद में सुर्की को बेचे तो ला के जर रंग बेचे मिल तो ला के नहीं में कीती रखे वाल चस्ता रंग पार गई तो मैंने जलती है सी पक्की का ना होती हाँ चल हाय तो माशाल्लाह से आज वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। ये देखें बल्ब सारे लग गए हैं और ये जो बड़ी तार आ रही है ना मेन तार तो ये भी लग गई है। ये देखो ये खड़ी है मोटी तार ये वहाँ से लेकर आए हैं उस खंभे से वो सामने खंभा खड़ा है वहाँ से लेकर आए हैं। पहले तो हम सोच रहे थे जहाँ नीचे मिट्टी में दबा के ले आते हैं ज़मीन में लेकिन फिर सिकंदर भाई ने कहा कि हो सकता है जहाँ पर वो काम करा रहे हैं ना दूसरा क्या कहते हैं बोर लगा रहे हैं ट्यूबवेल लगा रहे हैं इस वजह से फिर नीचे ज़मीन में नहीं दबाया फिर ऊपर से लेकर आए हैं। अभी फूलों को देखो तो अभी तक वायरिंग वाला खड़ा है वो अभी काम कर रहा है और आप लोगों को डोंकी दिखाते हैं। डोंकी भी हमारा कल से जल गया है ये देखिए यहाँ पर भी सारा बिजली का काम हो गया है और डोंकी डोंकी जहाँ से जल गया है ये देखिए अभी इसको लेकर जाना है उधर बनवाने के लिए। और इस साइड से देखिए क्योंकि पहले हमने वायरिंग कराई थी ना तो कुछ कितने एक साल तो खड़ी रही है ना घर तो कुछ फ़र्क पड़ गया है लाइनों में जो बिजली की लाइन थी तो इस वक्त जैसे सीमेंट उखाड़ कर फिर लाइनों को सीधा करना पड़ा है जहाँ से भी किया है और उस साइड से भी किया है वहाँ से भी दिखाते हैं। ये देखिए ये सारी इलेक्ट्रिक का इंतजाम हो गया छत के ऊपर बस ये वाले लगाने लगाने पैनल लगाने हैं। हमारे ना हर घर की लाइट एक कमरे की लाइट अगर ख़राब होगी ना तो उस कमरे में वो सिस्टम बनना हुआ है कि वहाँ से बंद करके वो लाइट ठीक कर लेंगे। ये नहीं क्यों करेंगे कि पूरे घर की लाइट बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे शीशा लगेगा इधर किचन में होगी किचन में होगी ये पंखे वगैरह नहीं लगाए क्योंकि अभी हमने पंखे वगैरह लिए भी नहीं है एक से ज़्यादा बेडरूम में शायद लगवाएंगे। हाँ वो लेकर आया है लेकिन बाकी के लेकर हम नहीं आए। ये देखिए बोर्ड यहाँ पर ये दूसरा बोर्ड लगा हुआ है गोल्डन कलर का तभी उधर काम हो रहा था इस वजह से सेट पे आ गई। और ये देखो ये सीढ़ी वाले कमरे की और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और ये ऊपर सीढ़ी वाली जो जगह है इस साइड से पुराने घर की तरफ से ये देखिए ऊपर यहाँ भी सारी लाइटिंग का इंतजाम है। तो भी आगे हम थोड़ा सा वो पार्ट लगा कर आप लोगों को दिखाते हैं जो मैंने अस्पताल में बनाया है जहाँ पर मैंने अपने टेस्ट करवाए वो लगा कर दिखाते हैं। तो वीडियो हमने उधर लगाने की कोशिश की है व्हाट्सएप पे भेज के लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। हाँ, पता नहीं क्या मतलब आईफोन में डॉक्यूमेंट्स करके भेजिए ना पता नहीं इसलिए ऐसे सिंपल भेजते फिर आ जाती। इधर होगा तो वो भी बताएंगे अगर नहीं ठंडा है दोबारा चले यहाँ पे भी नहीं चल रहा कैसे ये चलो आप देखा
मेरी थी अस्पताल में मीटिंग और इधर हो रहे कैंप लगा हुआ है तो यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी टेस्ट करा लूँ। पहले तो मैंने सोचा कि टेस्ट नहीं कराती, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि टेस्ट करा लें, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त के लिए इंसान को जहन तौर पर तैयार होना चाहिए। पहले तो मैं डरी हुई थी कि कोई बीमारी ना निकले, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई बीमारी है तो नहीं, लेकिन अभी अगर टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से मैं अभी टेस्ट करा रहा हूँ, कड़े सा बीमारी, कड़े सा। अच्छा, कह रहे हैं बीमारी कोई ना कोई निकालें, वो हमारे जानने वाली है ना। तो यहाँ पर फ्री टेस्ट हो रहे हैं, पूरे हाल की मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर पर्दे वाली औरतें भी होती हैं, आप लोग जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो दूसरा एक टेस्ट किया है ना शुगर वाला, शुगर नहीं है ऐसे ना, शुगर नहीं है, अभी दूसरा टेस्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस वाला, तभी देखते हैं कि उसमें क्या है या नहीं है, अगर होगा तो वो भी बताएंगे, अगर नहीं है तो वो भी बताएंगे। अभी अल्लाह का शुक्र है कि जरकान भी नहीं है, हेपेटाइटिस और शुगर भी नहीं है। मैं डरी हुई थी, मैं कहीं जरकान ना, क्योंकि जरकान हर साल हमारे अस्पताल में ना ये कैंप लगता है ना, तो जितनी हम वर्कर हैं इनमें से तकरीबन सारे वर्करों को ये जरकान है, सिर्फ दो तीन हम बची हुई हैं जिनको नहीं है। तो इस दफा मैंने सोचा कि इस साल मेरा भी नाम आ ना जाए जरकान में। जरकान की बीमारी इतनी फैली हुई ना हमारे इलाके में बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा मुझे नहीं है। पर अगले साल आएंगे कैंप वाले तो अगले साल फिर चेकअप करवाएंगे, हर छः महीने साल बाद आते हैं ना फ्री चेकअप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है ना जिस जरकान है ना शुगर है और ना टीबी वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी अभी सारे टेस्ट किए हैं तो कोई भी बीमारी नहीं निकली। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, उम्मीद दीजिए ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।